हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फिजिकल केमिस्ट्री ये एक अहम हिस्सा होता है केमिस्ट्री के सिलेबस का हर एक एग्जाम में। ठीक है, फिर चाहे वो सीएसआर नेट हो, गेट हो, टीआईएफआर हो, बीएआरसी हो, सेट का एग्जाम हो, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स हो, और इनफैक्ट टीआईएफआर का एग्जाम अगर देखा तो फिजिकल का पार्ट ज्यादा आता है, उनके सिलेबस में भी फिजिकल ही भरा पड़ा है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं कि कई बार जिन लोगों का फिजिकल स्ट्रांग होता है उनको तो कोई दिक्कत नहीं आती है, वो फिजिकल प्रॉपरली कर लेते हैं, या फिर जिनको फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, वैसे मुझे तो लगता है कि सभी को लगना चाहिए, बट फिर भी ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जिनको नहीं लगता है, बट जिनको अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए है, स्पेशली उनके लिए है जो फिजिकल केमिस्ट्री से थोड़ा बहुत डरते हैं। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स तो मुझे पता है कि बहुत ज्यादा डरते हैं, इतना डरते हैं कि पूरा फिजिकल केमिस्ट्री स्किप कर देते हैं। आके मुझे हमेशा पूछेंगे, सर फिजिकल केमिस्ट्री स्किप किया तो चलेगा क्या? सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से क्या सीएसआईआर नेट का एग्जाम, क्या गेट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं? ठीक है, तो मेरा जवाब हमेशा ऐसा ही होता है कि ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फिर इतना परफेक्ट होना चाहिए कि एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप जो संडे टेस्ट देते हो, जो प्रैक्टिस टेस्ट देते हो, जो मॉक टेस्ट देते हो, एक भी गलती हो रही है तो समझ लो कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री की जरूरत है, और उसके ऊपर जाके एप्टीट्यूड की भी जरूरत होती है, मगर चलो एप्टीट्यूड की बातें बाद में करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री की पढ़ाई कैसे की जाए? ठीक है, ये भी सवाल आता है, क्योंकि स्टूडेंट अगर डरते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो डर पे जीतना नहीं चाहते हैं, डर के ऊपर जीत चाहते हैं वो, बट उनको पता ही नहीं है कि फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है। ठीक है, उन्होंने कई लोगों से सुना होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री टफ है, इसलिए उनको टफ लगता है। कई सारे लोगों ने बताया है कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स बनेंगे ही नहीं तेरे से, इसलिए उनको टफ लगता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका मैथ्स वीक है, ठीक है, इसलिए उनको लगता है कि फिजिकल नहीं आएगा। कुछ लोगों को लगता है कि इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन जैसे मैथ्स के कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा यूज होते हैं कि वो अगर नहीं आते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी गलत फहमियां स्टूडेंट्स के मन में होती है, तो उनमें से कुछ गलत फहमियां मैं यहाँ पे दूर करूंगा और कुछ स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा जिससे फिजिकल केमिस्ट्री की पढ़ाई आप कैसे इफेक्टिवली कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा ये वीडियो एक बार प्रॉपरली देखिए, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को दिखाइए जो स्पेशली आपको पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री से डरते हैं, स्टूडेंट्स को दिखाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या जानना है? सबसे पहले आपको ये जानना है कि फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब सिर्फ मैथ्स और न्यूमेरिकल्स नहीं होता है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री इज अबाउट कंसेप्ट्स। ठीक है, कंसेप्ट मतलब क्या है? जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी आपके कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो कार्बो कैटायन को अनस्टेबल करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो कार्बो कैटायन को अनस्टेबल करेगा। ठीक है, इसका कोई इक्वेशन कार्बो कैटायन को सॉरी स्टेबल करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसका कोई इक्वेशन हमें नहीं लगता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से है ये पहचानना जरूरी है, बस बाकी सब आ जाता है। ठीक है, और ये क्यों होता है? क्योंकि आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, और ये कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट मतलब एक एक्सप्लेनेशन है किसी एक ऑब्जर्वेशन का, कि अगर क्लोराइड या फ्लोराइड जुड़ा हुआ है कार्बो कैटायन के साथ तो वो अनस्टेबल कार्बो कैटायन है, मगर वहीं पे अगर मिथाइल ग्रुप कार्बो कैटायन से जुड़ा है या बेंजाइल ग्रुप कार्बो कैटायन से जुड़ा है तो वो स्टेबल बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबिलाइज करने की मैकेनिज्म्स इन बाकी ग्रुप्स में होती हैं, ये आपको पता चल जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री कुछ अलग नहीं है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में जो कंसेप्ट होते हैं वो कंसेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, जब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। जैसे अरहेनियस इक्वेशन है, अरहेनियस इक्वेशन क्या है? के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू माइनस ए बाय आर टी। अरे बाप रे, इतना बड़ा सा इक्वेशन दे दिया, अब कैसे होगा हमारा? तो इस चिंता में मत जाइए। ये इक्वेशन आपको क्या बताता है? ये इक्वेशन सिंपली एक चीज बताता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कॉन्स्टेंट बढ़ता है, रिएक्शन का रेट बढ़ता है। और ये कैसे होता है? तो टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सपोनेंशियल फैक्टर का वैल्यू बढ़ जाता है और इसीलिए रेट कांस्टेंट बढ़ता है। फिर दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन है, कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स को ज्यादा एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए यूटिलाइज हो सकती है, और इसलिए टेम्परेचर
टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, तो ये कंसेप्ट भी पता है ना, तो कई बार कई सारे सवाल आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और ये मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं सबूत लेकर आया हूँ। इस बार का दिसंबर 2023 का जो CSR नेट एग्जाम हुआ है उसमें देखिए सरफेस केमिस्ट्री का ये सवाल है, और यहाँ पे आप देखना कि कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं, ये कंसेप्ट पे बेस्ड है। माइसेल फॉर्मेशन ये CMC के ऊपर होता है, माइसेल फॉर्मेशन ये क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर होता है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये NCERT के टेक्स्ट बुक पे लिखा है, ये ऐसा नहीं है कि नया है, MSc लेवल का कुछ है, ये 12th स्टैंडर्ड लेवल का सरफेस केमिस्ट्री है, बट कॉन्सेप्ट है। ये भी देखना, ये सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो जाना जाता है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के लिए, डेंसिटी, मिलर इंडाइसेस, ये सारे सवाल आते हैं। और इस सॉलिड स्टेट से भी एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आया है, उन्होंने पूछा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग है, मोनो एटॉमिक सॉलिड है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल होल्स कितने होते हैं। तो अगर FCC पैकिंग है तो हमें पता है कंसेप्ट क्या है कि वहां पे चार एटम्स है, सो टेट्राहेड्रल होल्स होंगे चार के डबल मतलब आठ, और ऑक्टाहेड्रल होल्स होंगे चार, ये आपका डायरेक्टली आंसर आ गया। तो यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, ठीक है। ये सवाल भी देखिए, ये तो चार मार्क का सवाल था, ठीक है, और ये ग्रुप थियरी का सवाल था, पॉइंट ग्रुप्स का सवाल था, ठीक है, और इसमें सिर्फ आपको सिमेट्री ऑपरेशंस आइडेंटिफाई करने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ मैथ्स, न्यूमेरिकल्स, ये फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है, कई सारे सवाल आ सकते हैं जो सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, कंसेप्ट के ऊपर आप इनको सॉल्व कर सकते हो। कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं कि डायरेक्ट इक्वेशन पूछा है, कोई कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है, इनमें से कौन सा इक्वेशन सही है, ऐसा वाला सवाल आता है। तो जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स याद रखते हैं, वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में इक्वेशंस याद रखने हैं, सेम चीज करनी है, सेम लॉजिक है। स्ट्रक्चर्स याद करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं और रिवाइज करते हैं। यहाँ पे भी आपको अगर इक्वेशन याद रखना है तो इक्वेशन लिख लिख कर याद करो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और यही दूसरा पॉइंट मैं मेंशन करना चाहता हूँ, मेक गुड क्वालिटी शॉर्ट नोट्स। तो आपके दो तरह के नोट्स होने चाहिए, या एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तीन तरह के नोट्स होने चाहिए। आपके क्लास नोट्स रहेंगे, ठीक है, क्लास में आप जो नोट्स बनाते हो इन्हीं नोट्स से शॉर्ट नोट्स बनाओ, इन्हीं नोट्स से शॉर्ट नोट्स बनाओ, और इन शॉर्ट नोट्स से भी फॉर्मूला हैंडबुक बनाओ, ठीक है, फॉर्मूला हैंडबुक भी बनाओ, ठीक है। ये आपका हमेशा अप्रोच होना चाहिए नोट्स की तरफ, ठीक है। क्लास नोट्स ये कॉन्सेप्ट्स के लिए है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आए इसलिए क्लास में नोट्स आप बनाते हो, हर छोटी छोटी चीज आप लिख लेते हो। बट शॉर्ट नोट्स ये कब काम आते हैं, ये काम आते हैं रिविजन के टाइम पे, ठीक है, जो एग्जाम के एक हफ्ता पहले, दो हफ्ता पहले आप जो रिविजन करते हो उसमें ये शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। इन शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूला के साथ साथ उस फॉर्मूला का मतलब भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान लो कि अगर ये आपने इक्वेशन पढ़ा हुआ है 1D बॉक्स का एनर्जी क्या होता है, 1D बॉक्स में एनर्जी आता है n²h² / 8mL², ठीक है, ऐसा एक फॉर्मूला आपको याद होगा। अब इस फॉर्मूला का मतलब लिखना है, इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूला से आपको ये पता चलेगा कि अगर ये L का वैल्यू मतलब बॉक्स का लेंथ अगर बढ़ा दिया तो एनर्जी कम होगा, मतलब ये बॉक्स का एनर्जी डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉक्स के लेंथ पे, तो बॉक्स का लेंथ बढ़ा दिया तो एनर्जी कम हो जाएगा, ये बन गया कंसेप्ट, समझ में आ गया। तो ये अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला से कंसेप्ट कैसे निकालना है, कंसेप्ट एक्सट्रैक्शन कैसे करना है, कंसेप्ट एक्सट्रैक्शन करना है प्रोपोर्शनैलिटीज देखकर, ठीक है, कि अगर L² ये नीचे है, L² नीचे है इस इक्वेशन में, इसका मतलब L अगर बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी, ये हो गया कंसेप्ट, ठीक है। एग्जाम में ये सवाल पूछा भी गया है कि बॉक्स का लेंथ अगर डबल कर दिया तो एनर्जी का क्या होगा, उसका आंसर था कि एनर्जी लेवल्स का स्पेसिंग कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी लेवल्स का वैल्यू भी कम हो जाता है। सो ये सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, कि कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो कई सारे सवाल हो जाएंगे, न्यूमेरिकली सॉल्व करना जरूरी भी नहीं पड़ेगा। और इसके लिए दूसरी चीज क्या है कि आपको पता नहीं, आपको शायद पता नहीं होगा कि हम हिंदी में क्यों पढ़ाते हैं। हम हिंदी में इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि पेपर हिंदी में आता है, ठीक है, CSR नेट का पेपर बाइलिंगुअल होता है, बट CSR नेट के सवाल हिंदी में पढ़ के देखो, आप कहोगे कि अरे अंग्रेजी आसान है ज्यादा,
क्योंकि हिंदी में जो टर्म्स इस्तेमाल करते हैं वो समझ में भी नहीं आते हैं, क्योंकि हमने कभी सुने भी नहीं होते हैं। हमने जो जो बुक्स पढ़े हैं, नोट्स पढ़े हैं, वो सारे इंग्लिश में पढ़े हैं। तो वो जो सवाल आप पढ़ोगे वो भी इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, बट जो कंसेप्ट होता है वो अपनी मातृभाषा में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए हम हिंदी में पढ़ाते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि हिंदी सबकी मातृभाषा नहीं है, मेरी मराठी है, बट फिर भी मैं इतने सारे मूवी देखता हूँ, इतने सारे पिक्चर देखता हूँ, तो हिंदी तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है। और अंग्रेजी पिक्चर से मैं हिंदी पिक्चर ज्यादा देखता हूँ, तो हिंदी मुझे ज्यादा बेहतर समझ में आती है। इसीलिए पढ़ाते भी हम हिंदी में है ताकि आपको समझ में आ जाए, इंग्लिश में जानबूझ के नहीं पढ़ाते। ठीक है, बट इसका मतलब ये भी हुआ कि आप जब नोट्स लिखते हो तो नोट्स भी हिंदी में बनाओ, अंग्रेजी में मत बनाओ। ठीक है, अंग्रेजी में जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हो। ठीक है, जो फॉर्मूलाज है वो तो इंग्लिश में ही लिखने हैं। बट जब आप कहते हो कि बॉक्स का लेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, ये हिंदी में लिखो। और हिंदी में एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जो मराठी मातृभाषा है तो मराठी में लिखो, बॉक्स की लेंथ वाढ़ी तो एनर्जी कमी होते, ये मराठी में लिखो। अगर बंगाली मदर टंग है तो बंगाली में लिखो, अगर तेलुगु मदर टंग है तो तेलुगु में लिखो। ठीक है, जिस भाषा में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो उस भाषा में नोट्स बनाओ। अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो सबसे ज्यादा तो इंग्लिश में नोट्स बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऐसी भाषा में नोट्स बनाओ, कंसेप्ट के नोट्स ऐसी भाषा में बनाओ जो आपको बहुत आसानी से समझ में आए और बहुत आसानी से आप याद भी रख सको। ठीक है, सो ये मुद्दा याद रखना बहुत जरूरी है। इसी से आपकी रुचि भी बढ़ेगी फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि एक बार फिजिकल केमिस्ट्री समझ में आ गया तो मेरी गारंटी है, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि आप इतने इंटरेस्ट से वो पढ़ना शुरू करोगे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो फीकी पड़ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो शुरुआत करिए, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है ये याद रखने से ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री क्या है ये समझने की कोशिश करिए। आप इमीडिएटली उसमें रुचि पैदा होगी, और एक बार रुचि पैदा हो गई तो आप पढ़ाई तो करना शुरू कर ही दोगे, आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, और स्कोर इंप्रूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसी से नहीं छूटी है। ठीक है, विराट कोहली इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं, शतक के ऊपर शतक लगाते हैं, बट वहां पे 2 घंटों में 3 घंटों में शतक बनाने के लिए वो मैच से पहले, मैच के एक दिन पहले 6-6, 7-7 घंटा बैटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तभी वो मैच में जाकर इतना परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इतना फिट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और ये हमारे लिए भी जरूरी है, हमने कितना भी अच्छा लगे, सब्जेक्ट कितना भी अच्छे से आता हो, अगर वो हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके वहां पे हमने हमारा ही इंतहान नहीं लिया तो फेल हो जाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसी प्रैक्टिस के लिए ये फॉर्मूला हैंडबुक रखना जरूरी है। फॉर्मूला हैंडबुक, इसका सारे फॉर्मूले याद हो गए इसका मतलब न्यूमेरिकल्स आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या पूछा जा रहा है ये समझना जरूरी होता है। बट फॉर्मूला याद नहीं होगा तो न्यूमेरिकल कितना भी समझ में आए डेफिनेटली सॉल्व नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला याद रखना जरूरी है ही, उसके लिए फॉर्मूला का हैंडबुक होगा। सारे फॉर्मूला एक ही जगह पे इकट्ठा है तो ज्यादा आसानी होती है, स्पेशली रिवीजन के टाइम पे। तो यहाँ पे जब हम संडे टेस्ट रखते हैं तो संडे टेस्ट के पहले प्रिपेयर कैसे किया जाए, ये जब भी हमें स्टूडेंट्स पूछते हैं तो सिंपल सा जवाब है, फॉर्मूलाज याद करके आओ। ठीक है, उसके साथ साथ ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करते हो न्यूमेरिकल्स के लिए, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करना जरूरी होता है, और उसके लिए कैलकुलेटर होता है। ये जो यहाँ पे कैलकुलेटर दिख रहा है ये गेट का वर्चुअल कैलकुलेटर है। ठीक है, ये गेट का वर्चुअल कैलकुलेटर है। इसी तरह का एक कैलकुलेटर सीएसआर नेट एग्जाम में भी आपको मिलता है। ठीक है, ये गेट का वर्चुअल कैलकुलेटर ये कैसे इस्तेमाल करना है ये पहले से ही सीख के रखिए। ऐसा मत करिए कि एग्जाम के दिन जाके पहली बार कैलकुलेटर इस्तेमाल किया, नहीं, इसका आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसका ऐप डाउनलोड करिए। ठीक है, या फिर ब्राउजर में अगर आपको देखना है तो TCS आयन कैलकुलेटर ये सर्च करिए ऑन ब्राउजर। ठीक है, जो भी आपका गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, उस ब्राउजर पे TCS आयन कैलकुलेटर ये सर्च करिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। और इसी तरह का कैलकुलेटर गेट के एग्जाम में भी होता है, IIT जैम में भी होता है, CSR नेट में भी होता है, अगली बार मतलब दिसंबर के एग्जाम में महाराष्ट्र सेट में भी होने के चांसेस अच्छे हैं। ठीक है,
तो ये जो कैलकुलेटर है इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि आपके फोन के अंदर जो कैलकुलेटर है और ये जो कैलकुलेटर है ये थोड़े से अलग है, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करना है इसके ऊपर हमने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, हमारे चैनल पे जाके गेट वर्चुअल कैलकुलेटर ये सर्च करिए, आपको मिल जाएंगे। उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये कैलकुलेटर इस्तेमाल कैसे करने हैं ताकि एग्जाम में कैलकुलेशन आपके गलत ना हो। और ये जान लीजिए कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप ही स्पेशल हो और आपको ही डर लगता है, बाकी सभी को डर लगता है। CSR नेट एग्जाम के पहले मुझे भी डर लगता है कि यार फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या मैंने जो पढ़ाया है वो सफिशिएंट होगा स्टूडेंट्स के एग्जाम के लिए, या फिर एक बार इस बार शायद एक दो क्वेश्चन बाहर के आएंगे सिलेबस के, ऐसा भी होता है कई बार। तो वो डर मेरे अंदर भी है, वो आपके अंदर भी होगा। डर होना ठीक है, इट इज ओके टू बी स्केयर्ड, ठीक है। डर ये कोई बड़ी चीज नहीं है, डर सब में होता है, बट ये याद रखिए उस डर के आगे आप जा सकते हो, इट इज पॉसिबल टू ओवरकम द फियर। इसी डर के आगे जीत है, ठीक है। इस डर के आगे की जीत को हमें पाना है, वहां तक पहुंचना है, और इसके लिए एक छोटी सी चीज करनी है आपको। छोटी सी चीज क्या है कि जब आपको टीचर आपके टीचर्स बताते हैं कि आपसे हो पाएगा, यू कैन डू इट, उन पे विश्वास रखिए, ठीक है। भले ही खुद पे विश्वास ना रखो, आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं कि ये कर पाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मेहनत करना जरूरी है, आपको एक स्ट्रैटेजी लेकर एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करना जरूरी है, प्रिपेयर करना जरूरी है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत जरूरी है, बट ये करोगे तो आप कर पाओगे। ये हमारा जो आपके ऊपर विश्वास है, ये विश्वास जरूर रखिए, इस विश्वास की दाद दीजिए और खुद पे भरोसा करना, खुद के कैपेबिलिटी पे भरोसा करना सीखिए। ये करोगे तो कोई नहीं रोक सकता आपको फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने से। और सिर्फ CSR नेट क्या, गेट, TIFR, सेट, बार्क, पब्लिक सर्विस कमीशन, हर एक एग्जाम में आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के जोर पे नई ऊंचाइयां तय करके आओगे, ठीक है। ये मेरी गारंटी है आप सबको, आपको बस शुरू करना है। तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपर्स के स्ट्रैटेजीज हमारे IFS के फ्री ऐप में अवेलेबल है। सारे टॉपर्स मैंने जो इस वीडियो में बताया है वही बताएंगे आपको, और ये स्ट्रैटेजीज अगर आपको जाननी है तो हमारा IFS का फ्री ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे स्ट्रैटेजीज के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले 13 साल के पेपर्स का एनालिसिस भी है, जिससे आपको पता चले कि कौन से फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए ताकि कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स आप पा सको, वेटेज ज्यादा किसका है। पिछले 5 साल के एग्जाम के कट ऑफ्स भी हैं, तो आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जो पार्ट है वो अगर आपने कंबाइन किया तो टोटल स्कोर कितना आ रहा है कैलकुलेट करो, आपको दिखेगा कि पिछले 5 साल के कट ऑफ से कम ही आएगा। इसका मतलब फिजिकल की आपको जरूरत है, पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। पिछले 12 साल के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी है जो आपको मदद करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अब तक के एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए ये आपको पता चले तो आपको समझ में आएगा कि प्रिपरेशन किस लेवल तक जाके करना है। वहां पे आपको ये भी समझ में आएगा कि हर CSR नेट के पेपर में 33 क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल के, उनमें से कम 15 से 20 सवाल ऐसे होंगे जो हर कोई स्टूडेंट कर सकता है अगर उन्होंने कोशिश की है तो। अगर वो इसी डर में है कि फिजिकल टफ है और स्किप कर देते हैं, ये जो स्टूडेंट सोचेगा तो वो 33 में से 5 भी नहीं कर पाएंगे, मगर जो स्टूडेंट इस डर के ऊपर उठेंगे तो वो 33 में से 20 सवाल कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है आप सबको, ठीक है। और एग्जाम रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है। और आप सबको ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के अगर आपको पढ़ने हैं तो हमारा लाइव बैच, हमारा रिकॉर्डेड कोर्स और इवन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ फ्लैट 30% ऑफ में अवेलेबल है। ये लाइव कोर्स 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, मैंने जैसे अभी आपको बताया इस वीडियो में उसी तरह से हम फिजिकल केमिस्ट्री का प्रिपरेशन आपका कराने वाले हैं, और मुझे गारंटी है कि आप बाद में जब ये एग्जाम क्वालिफाई करके आओगे तो बोलोगे कि राजीव सर ने, शौविक सर ने जिस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाया है ऐसा कोई और नहीं पढ़ा था, इतना कॉन्फिडेंस आ गया हमें, इतने अच्छे कंसेप्ट समझ में आए हमें, न्यूमेरिकल्स का डर वो दूर की बात है, कंसेप्चुअल एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटेगा, ठीक है।
तो इसी तरह के बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी एडवाइस, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशंस भी ऑन करके रखिएगा ताकि आपका ऐसा एक भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए उन सारे दोस्तों के साथ जो फिजिकल केमिस्ट्री से डरते हैं, ताकि उनका भी डर निकल जाए, हमारे साथ वो जुड़े और फिजिकल केमिस्ट्री कितनी आसान है और सबसे इंपॉर्टेंट कितनी दिलचस्प है ये भी जाने। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते रहेंगे IFAS के केमिस्ट्री के चैनल पे। अगले वीडियो तक मेरी तरफ से अलविदा एंड हैप्पी लर्निंग।